सेक्शन में जा रहे हैं और जो भी वैल्यू है हमारे टैग की उसको हम पॉकेट में रख ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो लॉक की जो वैल्यू है उसको हमने किसी रजिस्टर में रख लिया और उसके बाद फिर लॉक में वन वैल्यू हमने डाल दिया। वन का मतलब है कि ऑक्यूपाइड डालना, तो लॉक में हमने वन वैल्यू डाल दिया। फिर इसके बाद हमने चेक किया जो भी हमारे पॉकेट में टैग है उसको हमने चेक किया कि क्या वो जीरो है। अगर वो टैग जीरो है, थर्ड नंबर स्टेटमेंट देखिए, थर्ड नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर वो टैग की वैल्यू जीरो है तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर इस टैग की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो का मतलब क्या है कि वैकेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम जंप करेंगे स्टेप वन पे और इसी काम को रिपीट करेंगे। ओके, फिर से समझिए इस चीज को, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद बार बार मुझसे मत पूछिएगा। दिस इज लाइक कि हम ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं और ड्रेसिंग रूम में जो भी टैग लगा हुआ है उसको हम रजिस्टर में रख ले रहे हैं, रजिस्टर हमारी पॉकेट है मान लेते हैं। फिर इसके बाद फिर उस ड्रेसिंग रूम में ऑक्यूपाइड टैग का मतलब क्या है कि लॉक में वन की वैल्यू रखना, ठीक है? तो वन वैल्यू को हम लॉक पे रख दे रहे हैं, ऑक्यूपाइड हमने लगा दिया। फिर इसके बाद हमने जो भी हमने वैल्यू ली थी उसको चेक किया, कंपेयर किया कि क्या उसकी वैल्यू जीरो है, क्या वेकेंट टैग है वो। अगर ऐसा है तो हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर इस R0 रजिस्टर मतलब जो पॉकेट में हमारे पास जो टैग है वो जीरो नहीं है, वो वन है, इसका मतलब वो ऑक्यूपाइड टैग है, तो हम क्या करेंगे कि जंप करेंगे स्टेटमेंट नंबर वन पे और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ओके, अच्छा मान लीजिए कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री किया था। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करते समय हमने क्या किया था कि लॉक की वैल्यू को वन कर दिया था, तो जब हम क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करेंगे तो उस समय लॉक की वैल्यू को जीरो कर देंगे, ठीक है? उस समय लॉक की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। लॉक का मतलब वन, ऑक्यूपाइड लॉक। नाउ सी वन थिंग, ये जो स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू है इनका जो एग्जीक्यूशन है वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होना चाहिए, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये दो अलग अलग पार्ट में एग्जीक्यूशन इसका नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आप प्रीम्पशन अलाउ करेंगे वन के बाद, है ना, तो उस केस में हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो वन और टू स्टेटमेंट है वो साइमल्टेनियस होने चाहिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं TSL। इन दोनों स्टेटमेंट को हम कहते हैं टेस्ट सेट लॉक, टेस्ट सेट लॉक। टेस्ट भी करेंगे लॉक को, सेट भी करेंगे, ठीक है? तो सेट की वैल्यू सेट कहाँ कर रहे हैं हम, टू नंबर स्टेटमेंट में हम सेट कर रहे हैं, और वन नंबर स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि लॉक की वैल्यू को रजिस्टर में स्टोर करके आगे हम इसको कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसीलिए हमने इसको टेस्ट सेट लॉक कहा। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि स्टेटमेंट नंबर वन और टू को हम एटॉमिक माने और ये दोनों एक साथ ही एग्जीक्यूट हो, अलग अलग एग्जीक्यूट ना हो। एक साथ का मतलब सिंपली एक ही माने कि वन वन के बाद टू, लेकिन वन के बाद प्रीमिशन अलाउड नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एक साथ साथ ही साथ एग्जीक्यूट होंगे तभी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है? तो अगर हम TSL का यूज कर रहे हैं, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम TSL का यूज कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो सोल्यूशन है वो इस तरह का बन गया। सोल्यूशन में लोड लॉक R0 और स्टोर वन इन द लॉक, इसको हमने TSL स्टेटमेंट माना और स्टेटमेंट नंबर वन मान लिया। फिर हमने कंपेयर किया रजिस्टर की वैल्यू को जीरो से, जीरो नहीं है तो हमने फिर से रिपीट किया वन नंबर स्टेटमेंट, और अगर जीरो है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन फ्री करते समय इस लॉक की वैल्यू को हम जीरो कर देंगे जिसको हमने वन कर दिया था आते समय या क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करते समय। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, इसमें हम देखते हैं कि क्या हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पी नीचे देखिए, हमने P1 और P2 दो प्रोसेसेस माने। P1 प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर वन चलाया। स्टेटमेंट नंबर वन मतलब क्या है कि लॉक की जो करंट वैल्यू है वो R0 में आ गई और लॉक में वन स्टोर कर दिया। मान लेते हैं कि लॉक की इनिशियल वैल्यू जीरो थी, दिस इज अवर अजम्पशन की लॉक की इनिशियल वैल्यू जीरो थी। तो लॉक की वैल्यू जीरो है तो निश्चित रूप से R0 में भी जीरो आ जाएगा और लॉक में वन सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर वन। स्टेटमेंट नंबर वन में क्या है, दो स्टेटमेंट है, TSL स्टेटमेंट है ये। लॉक में लॉक की वैल्यू को रजिस्टर में रख लिया और लॉक में वन रख दिया। फिर P2 प्रोसेस हम चलाते हैं, P2 प्रोसेस ने भी यही चीज एग्जीक्यूट किया। जब एग्जीक्यूट किया तो उसने स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट किया। स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर वन ये कह रहा है कि लॉक की करंट वैल्यू को रजिस्टर में ले लो। लेट्स से R0 की जगह R1 रजिस्टर है तो लॉक की करंट वैल्यू वो वन हो गई। देखिए P1 प्रोसेस ने लॉक की वैल्यू को वन सेट कर दिया है, फिर इसने भी लॉक में वन ही स्टोर कर दिया क्योंकि वन नंबर एटॉमिक स्टेटमेंट है। तो लॉक की करंट वैल्यू को रजिस्टर में रीड करके देन हम लॉक में नई वैल्यू वन सेट करते हैं। फिर टू नंबर स्टेटमेंट कंपैरिजन, कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कंपैरिजन
में हमें पता चल रहा है कि ये जीरो नहीं है, ये वन है। आर रजिस्टर में वैल्यू वन आ गई है, रजिस्टर में वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम तीन नंबर स्टेटमेंट चलाते हैं। तीन नंबर स्टेटमेंट ये कहता है कि जंप इफ नॉट इक्वल टू जीरो टू स्टेप वन। तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्टर की वैल्यू वन नहीं है, तो हम लूपिंग करेंगे स्टेटमेंट नंबर वन पे। तो पी टू प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेटमेंट चला है? वन टू थ्री, क्योंकि जीरो नहीं है, फिर से इसने वन चलाया। तो पी टू प्रोसेस लगातार इस काम को कर रहा है। फिर प्रीमिशन हुआ पी टू प्रोसेस का। फिर पी वन में हम आते हैं। पी वन में स्टेटमेंट नंबर टू चला। पी वन ने लॉक की वैल्यू को जीरो ले लिया था रजिस्टर में, फिर लॉक की वैल्यू को वन सेट कर दिया था। तो टू नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि R0 को जब आपने चेक किया जीरो से, तो ये ट्रू हो गया। तो कि ये ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या है कि जीरो वैल्यू नहीं है इसके पास, तो ये क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन P1 प्रोसेस के लिए हुआ, लेकिन P2 प्रोसेस के लिए क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। क्योंकि एक ही प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर रहा है, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने अचीव कर लिया। वी हैव अचीव दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यही हमारा पर्पस था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं प्रोग्रेस प्रॉपर्टी की। प्रोग्रेस प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी एक प्रोसेस को एंटर नहीं करना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो दूसरे प्रोसेसर्स को नहीं रोकेगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रोग्रेस का कि सम स्टूडेंट डज नॉट वांट टू अटेंड द क्लास, देन ही शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द अदर स्टूडेंट्स टू अटेंड द क्लास। है ना, सबकी चॉइस अपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे TSL वही प्रोसेस चेक करेगा। ये जो TSL स्टेटमेंट्स हैं, TSL स्टेटमेंट वही प्रोसेसेस चेक करेंगे जिनको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करनी है। जिन प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं करनी है, वो TSL स्टेटमेंट चेक नहीं करें। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोग्रेस प्रॉपर्टी भी है। जिस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करनी है, केवल वही प्रोग्रेस प्रॉपर्टी को, सॉरी वही TSL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। है ना, जिसको नहीं एंट्री करनी, वो TSL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो प्रोसेस एंटर करना चाहता है, वही लॉक की वैल्यू को वन सेट करेगा, अदर प्रोसेस लॉक की वैल्यू को वन सेट नहीं करेगा। तो द प्रोग्रेस प्रॉपर्टी इज देयर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये, हमने अभी भी देखा। फिर प्रोग्रेस प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरा बाउंडेड वेट चेक करते हैं। बाउंडेड वेट का क्या मतलब है? बाउंडेड वेट का ये मतलब है कि अगर हम किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन अलाउ कर रहे हैं, तो ये श्योर है कि थोड़े समय बाद दूसरे प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करने का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करता रह रहा है। मान लेते हैं कि एक P1 प्रोसेस है, अगर हमने इसको बार बार क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन अलाउ किया, इससे क्या होगा कि अदर प्रोसेस जिनको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, उनका स्टार्वेशन होगा। इसलिए देर शुड बी अ डेफिनेट टाइम आफ्टर विच अ प्रोसेस शुड बी गारंटीड टू हैव दी एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन। बट लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन हमने नहीं लगाया है जिससे कि ये श्योरिटी आए कि जिस जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं करता रहेगा, और हम दूसरे प्रोसेस को भी चांस देंगे। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो बाउंडेड वेट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं। नाउ व्हाट अबाउट द आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी? यहाँ पे TSL की बात कही गई है। अगर हमें दो स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, तो निश्चित रूप से हमें एक ऐसा फर्मवेयर बनाना होगा, ऐसा हार्डवेयर बनाना होगा जिसमें इन दोनों स्टेटमेंट को क्लब कर देना होना होगा, या फिर इन दोनों स्टेटमेंट को फैब्रिकेट करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि TSL के लिए एक हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए। हार्डवेयर सपोर्ट हर डिवाइस में नहीं दिया जा सकता, या हर प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जा सकता। तो चूंकि हम दो स्टेटमेंट को एक साथ चलाना चाहते हैं, जो कि एक हार्डवेयर में पॉसिबल है, और हार्डवेयर हर डिवाइस में देना पॉसिबल नहीं होगा, हर सिस्टम में देना पॉसिबल नहीं होगा, हर प्लेटफॉर्म में देना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये जो सोल्यूशन हमारा है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं है। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा है, प्रोग्रेस प्रॉपर्टी अचीव हो रही है, बाउंडेड वेट अचीव नहीं हो रहा है, और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी नहीं है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल तब होता है जब ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होता है। जैसे ही आपको हार्डवेयर सोल्यूशन मिलेगा, वो कभी भी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं होगा। दो स्टेटमेंट एक साथ सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता, दो स्टेटमेंट एक साथ केवल हार्डवेयर चला सकता है। जब तक आप इन दोनों स्टेटमेंट को किसी हार्डवेयर में नहीं देंगे, तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए दिस इज नॉट आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। दिस इज द यूज ऑफ लॉक वेरिएबल विद द TSL। कितने लोगों को आपको समझ में आया ये बात जो मैंने कही? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रेज योर हैंड। और इसमें से कौन सी बात मुझे रिपीट करनी है भी मुझे बताइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिए लगातार।
केवल 5 स्टूडेंट्स को समझ में आया क्लास के। बाउंडेड बाउंडेड और आर्किटेक्चर एक बार समझा दीजिए। वेट का मतलब ये है कि, पहले इनकी क्वेरी को सेटिस्फाई कर दूं फिर आपके। बाउंडेड वेट का मतलब ये है कि एक प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन मिला तो थोड़ी देर बाद ये श्योरिटी होगी कि दूसरे प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, लेकिन हमने अपने पूरे सोल्यूशन में ऐसे ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, पूरे सोल्यूशन में हमने ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है, चलो मान लो कि एक कॉइन है। ठीक है, तुम कॉइन को फ्लिप करो, हेड आएगा या टेल आएगा? ठीक है, तो मान लो कि हेड आएगा तो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन, टेल आएगा तो P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। हेड आएगा तो P1, टेल आएगा तो P2। तो ऐसे 50-50% चांसेस है ना कि P1 कभी एग्जीक्यूट करेगा P2, फिर P1 फिर P2 फिर P1 फिर P2। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाउंडेड वेट है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ यूज नहीं किया। यहाँ हमने ऐसी कोई श्योरिटी नहीं की है जिससे कि क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन गारंटीड हो कि थोड़े टाइम बाद सभी को मिल जाए। आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पे यह है कि दो स्टेटमेंट अगर एक साथ चल रहे हैं तो सॉफ्टवेयर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ नहीं चला सकता। सॉफ्टवेयर तो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट पहले चलाएगा और दूसरे स्टेटमेंट को बाद में चलाएगा। और अगर एक स्टेटमेंट पहले चलेगा और दूसरे स्टेटमेंट बाद में चलेगा तो हम बीच में इसको इंटरप्ट कर सकते हैं। इंटरप्ट करने का क्या मतलब है कि हम प्रीमिशन कर सकते हैं। अगर हम प्रीमिशन करेंगे तो जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए तभी पॉसिबल है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करना जबकि दोनों स्टेटमेंट एक साथ चले। तो इस ये जो पॉसिबिलिटी है वो केवल हार्डवेयर सोल्यूशन में है। हार्डवेयर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि TSL एक बनाइए, दो स्टेट माने एक हार्डवेयर बना लीजिए, उसमें इन दोनों स्टेटमेंट को वो कर दीजिए, फैब्रिकेट कर, है ना। तो जब भी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना होगा तो इस हार्डवेयर के थ्रू में पास होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट जब चलेंगे तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। दोनों स्टेटमेंट एक साथ चलेंगे इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में हम पहुंच जाएंगे या क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री होगी, और क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक ही प्रोसेस की एंट्री। तो चूंकि इसके लिए हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर सपोर्ट हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता आपको, है ना। हर प्लेटफॉर्म पे आपको हार्डवेयर सपोर्ट नहीं मिल सकता, इसलिए आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी यहाँ पे नहीं। आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी एक्चुअली आपको मिलेगी ही तभी जब आपके पास सोल्यूशन जो होगा वो हार्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होगा, हार्डवेयर सोल्यूशन ना हो। ठीक है,